आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा कराची। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को कोर हेडक्वार्टर्स में कराची हमले पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला सिंह मुराद अली शाह भी मौजूद थे। सिपा सालार ने ब्रीफिंग के बाद कराची पुलिस ऑफिस का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर जख्मी जवानों की इयादत करने जिला अस्पताल भी गए। फौज पुलिस और रेंजर्स की बहादुरी आजम और कुर्बानियों को सराहा। कहा दहशतगर्दी का कोई मजहब या नजरिया नहीं, मिलकर निपटेंगे, ये एक गुमराहकुन टोला है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दों के दाखिल होने की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। दहशतगर्द जदीद असलहे से लैस थे, बैग भी पहन रखे थे। उधर हमले में इस्तेमाल गाड़ी लौंडी के शहरी के नाम पर निकली, पुलिस ने मुजाहमत में हिरासत में ले लिया है। और मुलजिम ने बयान दिया कि गाड़ी शोरूम को फरोख्त की थी, शोरूम वालों ने आगे गाड़ी किसको दी नहीं मालूम, पुलिस ने शोरूम को सील कर दिया। आईजी सिंह ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की इंक्वायरी के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। एक दहशतगर्द का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान, दूसरे का लकी मरवत और तीसरे का ताल्लुक केच से था। किफायतुल्लाह के घर पर लकी मरवत में छापा, घर वालों से तफ्तीश जारी। किफायतुल्लाह को घर में बांध कर रखा गया था। अहले खाना का पुलिस को बयान। फर्ज की राह में जान कुर्बान कर देने वाले बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। शहीद रेंजर अहलकार तैमूर, पुलिस कांस्टेबल गुलाम अब्बास और सईद की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला सिंह कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स और दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह कराची पुलिस ऑफिस के खाकरूप अमजद मसीह की आखिरी रसूमात में भी शरीक हुए। एक मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शहीद रेंजर्स अहलकार तैमूर के लवाहिकीन का सर फखर से बुलंद। कहा जान देकर सोहनी धरती का तहफ्फुज करेंगे। शहीद कांस्टेबल गुलाम अब्बास लगारी के भाई ने शहादतों को जवानों का सहरा करार दिया। कराची ताजरों का वफद सिंध पुलिस से इजहार यकजहती के लिए केपीओ ऑफिस पहुंच गया। ताजर रहनुमा फैजान रबात ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है, मुश्किल की इस घड़ी में फोर्सेस के साथ है। गैर कानूनी टेपिंग, जजेस पर दबाव डालने की कोशिश है। जजेस के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा शर्मनाक है। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगु। अदलिया कौमी वाहिद उम्मीद है, जजेस किसी दबाव की खातिर में नहीं लाए और बगैर इसके कानून की बालादस्ती कायम रखें। इमरान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद, कहा ये पीडीएम का मुआवन साबित हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहे। इसको कोई ना कोई बेसाखियां चाहिए होती हैं। मरियम नवाज की फिर अदलिया के खिलाफ हर्जा सिराई, कहती हैं कि अदलिया को बावर कराना चाहती हूं। एहतसाब से इरादा कमजोर नहीं मजबूत होता है। एक याद और किरदार जिससे अदलिया पर उंगलियां उठती तो रोकथाम और एहतसाब खुद करना होगा। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर आए, अब अदलिया के कंधों पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालों? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? जी अभी तक नहीं गया, वो आ जाएंगे रात को, डार्क साइन होके आ जाती है। तुमने मेरी ऑडियो, मेरा टेलीफोन टैप किया है और तुमने मेरी प्राइवेसी के अंदर इंट्रूड किया है। मेरी प्राइवेसी की जो ब्रीच हुई है, मैंने अपने वकला को कह दिया है, मेरी पटिशन तैयार हो गई है और इंशाल्लाह पीर वाले दिन मैं हाई कोर्ट में पटिशन कर रही हूं जो इन्होंने हरकत की है। हुकूमत के मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। चौधरी परवेज इलाही के बाद यास्मीन राशिद और सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ऑडियो भी सामने आ गई। यास्मीन राशिद ने कहा कि ऑर्डर हो गए हैं, डोगर साहब ने कहा कि अभी ऑर्डर नहीं हुए। यास्मीन राशिद ने कहा जिसने ये ऑडियो लीक की है उनसे कहें शर्म और हया करें। इमरान खान पर हमले के बाद सिक्योरिटी तहफ्फुज़ात हैं, इसलिए कॉल की। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम की मुसम्मत। इमरान खान ने कहा कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है।
नाअहल टोले ने मईशत को तबाह और आइन को पामाल किया। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन नागुजीर है। नाअहल हुक्मरान टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर याद रखें कि आइन शिकनी पर आइन ही उनके खिलाफ रास्ता बनाएगा। मेरे कजन जैगम गोंदल को गुजरात से मंडी बहाउद्दीन जाते हुए उठा लिया गया। साबिक विफाकी वजीर मोनिस इलाही का ट्वीट, लिखा कजन भी गायब और उसकी गाड़ी भी गायब है। पुलिस FIA नैब सब ने गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार किया। अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, वजीर दाखिला राना सनाउल्ला के खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख 20 फरवरी को केस की समाअत करेंगे। दरख्वास्त शाहिद राना एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। बादल जबर का गहरा हो और सोचों तक पर पहरा हो, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस और निजाम इशराफ का मोहरा हो, जब नस्लों तक सुनवाई ना हो, तारीख कानून का चेहरा हो, जेल भरो और खौफ का बुत तोड़। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोज 200 कारकुन रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देंगे। कारकुनान के हमराह साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का 6 रुकनी ग्रुप भी गिरफ्तारी देगा। अदम गिरफ्तारी पर मुकर्रा मुकामात पर धरने भी दिए जाएंगे। PTI ने खसूसी पैगाम भी जारी कर दिया। तो हमारे मुल्क के इस वक्त आता है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। तमाम मसाइल का हल जो है वो हमारे वतन की चार दीवारी के अंदर है, IMF के पास नहीं है। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिनते करते हुए अपने हुक्मरानों को, मैं उनके साथ होता हूँ। पाकिस्तान दिवालिया नहीं रहा, हो चुका है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एतराफ कर लिया, कहा मुल्की हालात के जुम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान सब हैं। अशराफिया ने दर्जनों गोल्फ क्लब बना रखे हैं, 2 क्लब बीच और 2/4 कर्जा उतर जाएगा। पार्लियामेंट में 32 साल मुल्क को रुसवा होते देखा, अगर किसी ने इस पर आवाज बुलंद की तो इसको जिलावतन कर दिया गया। फवाद चौधरी का भी रद्द अमल, कहा ख्वाजा आसिफ जैसे असल दुश्मन मुल्क से खेल रहे हैं। इस शख्स का वजीर दिफा होना सिक्योरिटी रिस्क है। इसहाक डार इस बयान की फौरी वजाहत करें। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खत में लिखे अल्फाज पर शदीद तहफुजात का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 20 फरवरी को ऐवान सदर में इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत के लिए तलब किया था। इलेक्शन कमीशन को CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोगर की बहाली पर भी तहफुजात हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मंगल को अहम इजलास तलब कर लिया। आर्मी बरादरी को अफगानिस्तान में कयाम अम के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वजीर दिफा बिलावल भुट्टो का म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के पैनल डिस्कशन से खिताब, कहा कि अफगान हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। और IMF को गरीब की फिक्र लाहक हो गई। आर्मी इदारे की सरबराह क्रिस्टालिना कहती हैं कि मेरा दिल पाकिस्तान के लोगों के साथ है। यहाँ की 1/3 आबादी सैलाब से मुतासिर हुई, पाकिस्तान के गरीब आवाम को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो रेवेन्यू बढ़ाने में अहम किरदार अदा करें, सब्सिडी की मुनसिफाना तकसीम की जाए। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।